हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल लेबोरी चैनल। आज की वीडियो में हमने देखना है कि आपके अली एक्सप्रेस की स्लैश इट वाली ऑफर और ग्रुप बाई वाली ऑफ़र किस वजह से क्लोज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, सब लोगों का यही मसला आ रहा है कि ऑर्डर क्लोज हो जाता है या पेमेंट के टाइम पर मसला आ जाता है। तो इसी मसले को देखते हुए आज की हमने ये वीडियो बनाई है। इसमें मैं आपको तमाम पॉसिबल एरर्स बताऊंगा जिनकी वजह से आपके ऑर्डर क्लोज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर, हम जिस वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं, हमने जैसे अपने घर में एक वाईफाई नेटवर्क लगाया हुआ है तो उसी से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसी से दूसरा मोबाइल, उसी से तीसरा मोबाइल, तो ये भी एरर आ जाता है, आईपी हमारा डिटेक्ट हो जाता है। अली एक्सप्रेस ने साफ लिख दिया है कि आप एक दफ़ा एक मोबाइल से एक ही बार एक दिन में ऑर्डर कर सकते हैं स्लैश इट या फिर ग्रुप बाई वाला। तो अगर आपने बार बार ऑर्डर कर रहे हैं तो ये ज़रूरी बात है कि आपको अपना मोबाइल भी चेंज करना होगा, और अगर आपके पास एक ही मोबाइल है उसी से आप हॉटस्पॉट करते हैं तो ये भी थोड़ा सा मसला बनेगा इससे भी। तो आपने ये सेम वाईफाई पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं उस पर आप मैक्सिमम तीन ऑर्डर करें। तीन ऑर्डर के बाद एरर लाजमी आएगा। तीन ऑर्डर करने के बाद आप दूसरी सिम पर नेट पैकेज ऑन करें और उससे वाईफाई शेयर करें या फिर उसी मोबाइल से आप ऑर्डर प्लेस करें, तो आपका जो सेम वाईफाई है उसकी वजह से एरर आ सकता है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास है बैंक कार्ड का एरर। तो हम ज़्यादातर यही करते हैं, हमारे पास एक ही बैंक कार्ड है तो उसी से हम बार बार ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से मसला बन जाता है। पहले तो ये नहीं होता था, दो से तीन महीने पहले ऐसा हो जाता था कि आप एक ही बैंक अकाउंट को बार बार यूज़ कर लेते थे। एक बैंक अकाउंट से आप दिन में तीन ऑर्डर कर सकते थे पहले, लेकिन अब ये मसला आ रहा है कि आप दो ऑर्डर करेंगे उसके बाद एरर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप दो ऑर्डर कर सकते हैं एक बैंक अकाउंट से, ठीक हो गया। अगर आपके पास ज़्यादा बैंक अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली एक नया पे और सादा पे का अकाउंट बना लीजिए, उसमें आपको दो दो कार्ड आपको मिल जाएंगे, एक वर्चुअल कार्ड एक फिज़िकल कार्ड। तो आपको दोनों साइडों से दो दो कार्ड मिल जाएंगे, एक वर्चुअल कार्ड होगा एक फ़िज़िकल कार्ड, जो आपको वो सेंड करेंगे। वर्चुअल कार्ड आपका एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होगा, मतलब आपके पास ये दो आइडियाँ बनाने के बाद चार कार्ड आपके पास आ जाएंगे, डेली के आप चार ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक मसला बनता है एड्रेस का। ज़्यादातर लोग एड्रेस सेम ही रखते हैं, आपने एड्रेस को लाजमी चेंज करना है जब भी आप ऑर्डर लगाएं। दो या तीन ऑर्डर तो आप लगा लेंगे, उनमें एड्रेस का कोई इशू नहीं आएगा। जैसे ही आप तीसरे ऑर्डर या चौथे ऑर्डर पर जाएंगे तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। आपने एड्रेस भी चेंज करना है। एड्रेस यानी कि एक ऑर्डर आपने प्लेस किया, उसके बाद एड्रेस में कोई डॉट या कोई गली चेंज कर दें, घर का नाम है, जो भी एड्रेस है, हल्का फुल्का एड्रेस चेंज करें ताकि डाकियों को भी मसला ना बने, उसे ही आपका एड्रेस सही समझ आ जाए। और थोड़ा सा नाम में भी हल्की फुल्की चेंजिंग कर दें, जैसे कि मेरा नाम वकार गोरी है, WAQAR है, WAQAR कर दूंगा, तीसरी दफ़ा तीन दफ़ा ए कर दूंगा। इस तरह थोड़ी थोड़ी सी आपने चेंजिंग कर लेनी है, ठीक हो गया। पहले तो मसला नहीं बनता था ज़्यादातर, अब अली एक्सप्रेस वालों को पाकिस्तानियों की रूटीन का समझ आ गया है कि ये मुफ्ता खाने वाली कौम है, तो ज़्यादातर आपकी पेमेंट भी फंस जाती है। आपके बड़े ऑर्डर आप ओरिजिनल ऑर्डर लगाते हैं वो भी क्लोज होने लग जाते हैं, पेमेंट हो जाएगी उसके बाद आपको क्लोज कर देंगे ऑर्डर, पेमेंट आपकी फंस जाएगी, महीने बाद डेढ़ महीने बाद आपको रिफ़ंड मिलता है। अक्सर तो कई लोगों का तो मेरे पास कमेंट आया कि उन्हें रिफ़ंड नहीं मिला, तीन तीन महीने हो गए, लेकिन उनके 90 डेज़ की पॉलिसी है, 90 डेज़ में वो वापस कर देते हैं रिफ़ंड। बाकी जब भी हमने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया है तो हमें फ़ौरन रिफ़ंड मिल जाता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन इतना टाइम मैक्सिमम लगता है, इसके बाद हमें रिफ़ंड मिल जाता है।
बाकी उसके बाद हमारे पास है डिवाइस का एरर आ जाता है, डिवाइस की वजह से भी ऑर्डर क्लोज़ हो जाते हैं हमारे। डिवाइस में आपने कोशिश यही करनी है कि 3 से 4 मोबाइल अपने पास रखें, एक डिवाइस से एक ही ऑर्डर एक दिन में प्लेस करें, तो इससे सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू मसला नहीं बनेगा। एक ऑर्डर आपने एक दिन में कर दिया, उसके बाद आपने दूसरी आईडी उसी मोबाइल में ओपन नहीं करनी, कोशिश करें कि आप अपनी डिवाइस चेंज रखें। बाकी इसके लिए डिवाइस वाला जो मसला है, इसके लिए मैं एक और स्पेसिफिक एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप एक ही मोबाइल से अपना आईपी वगैरह चेंज करके डिवाइस आपकी नहीं डिटेक्ट होगी, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा। तो ये हैं 4 से 5 चीज़ें जिनकी वजह से अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर क्लोज़ होते हैं, पेमेंट एरर आता है सिक्योरिटी रीज़न या कोई और इशू आ रहा होता है। तो यही 4 से 5 चीज़ें आपने अगर फॉलो कर ली तो आपका 100% आपके ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं भी आपको दिखाऊंगा मेरे पास जितनी चीज़ें रिसीव हुई हैं, काफ़ी चीज़ें तो मैंने सेल आउट कर दी हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।